हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आपकी कक्षा आपके घर में आप सबका स्वागत है। मैं सुज्वला मंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में सम और विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन एंड ऑड नंबर। सम को इवन एंड विषम को ऑड नंबर बोलते हैं। तो हम अब जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। आम भाषा में सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसके जोड़े बन जाएं, और विषम संख्या हम उसे कहते हैं जिसके जोड़े नहीं बने। आप देखिए, हम यहाँ एक अंक लेते हैं, जैसे मैंने 8 लिया, तो मैं इसकी 8 लकीरें खींचती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए, इसमें से आप जोड़े बनाएं, सबके जोड़े बनाएं। देखिए, इसमें सबके जोड़े बन गए। अब हम और एक अंक लेते हैं, 9। इसके हम लकीरें खींचते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम फिर इसके जोड़े बनाते हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसका जोड़ा तो नहीं है, तो ये खाली रह गया, ये बाकी बच गया। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि जिन अंकों के जोड़े बन जाते हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जिन अंकों के जोड़े बन जाते हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जिन अंकों के जोड़े नहीं बनते हों उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जिन अंकों के जोड़े नहीं बने उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और भी हम देख सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। 1 का तो कोई जोड़ा है ही नहीं, क्योंकि एक लकीर, हम एक के लिए एक लकीर खींचेंगे तो दूसरा लकीर इसमें नहीं है। अब हम लिखते हैं 2, तो 2 में हमें 2 लकीर खींचनी है, तो देखिए 1 के साथ एक और लकीर है, इसीलिए इसका जोड़ा बन गया, तो ये क्या हो गया, 2 सम संख्या। अब देखते हैं हम 3, 1, 2, 3, इसमें से एक जोड़ा बना और एक रह गया, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिसके जोड़े बनते हो वो सम संख्या, और जिसके जोड़े नहीं बनते हो वो विषम संख्या कहलाती हैं। इसके अलावे हम आप लोगों को एक और तरीका बताते हैं जिससे आप सम विषम की जानकारी अच्छे से कर लें। अब हम आपको और एक तरीका बताते हैं जिससे सम विषम की आपको जानकारी होगी। कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं और इवन नंबर किसे बोलते हैं, तो उनके लिए भी एक और तरीका है। देखिए, सबसे पहले सम देखते हैं, सम, सम में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो इसके जोड़े बन गए, 2 लकीरें खींचे हमने तो इसके जोड़े बन गए। अब हम लिखते हैं विषम, विषम, अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर में 2 तो जोड़े बन गए और एक बाकी रह गए, है ना, एक जो बाकी रह गया इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, 3। 1, 2, 3, देखिए ये जोड़े बन गए, एक यहाँ पे बाकी रह गए, इसीलिए इसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें, जिस अक्षर में भी जोड़े रहे उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या, और विषम जिसमें जोड़े नहीं बने। अब इसी तरह इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सम को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन,
इसमें भी आप देखिए कितने लेटर हैं, चार लेटर हैं, चार लेटर जिसके देखिए जोड़े बनते हैं। तो बच्चे इसी से याद रखेंगे कि इवन नंबर जो है वो जोड़े बनने वाले वर्ड हैं, जिसे हम सम संख्या में यूज करेंगे, कटने वाले संख्याओं में यूज करेंगे। और ऑड नंबर, इसमें कितने लेटर हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। इसमें आप देखिए इसके एक जोड़े बने, एक बाकी रह गए। तो यह जब शब्द आए, वर्ड आए, तो बच्चे इससे याद रखेंगे कि ये तीन लेटर का है, इसीलिए यह विषम संख्या होगा, अर्थात जोड़े नहीं बनने वाली संख्या होंगी। इवन को हम सम संख्या में लिखेंगे और ऑड को विषम संख्या में। अब हम सम विषम या इवन एंड ऑड नंबर को पहचानने का और एक तरीका बता रहे हैं। जैसे कि वह संख्या जो दो से पूरी पूरी तरह कट जाए, जैसे कि हम आठ लेते हैं, ठीक है, इसको भाग देंगे तो दो चौका आठ। वह संख्या जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो दो से पूरी तरह कट जाए, कुछ भी शेष नहीं बचे, उसे हम इवन या सम संख्या बोलते हैं। देखते हैं और एक अंक, जैसे कि डिवाइड करते हैं इसको, दो चौके आठ, इसमें से शेष बच जाता है, एक बच जाता है, अर्थात ये दो से पूरी तरह से नहीं कटी। तो जिसमें वो संख्या दो से पूरी तरह से नहीं कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या या ऑड नंबर। ऑड नंबर जो संख्या दो से पूरी तरह से कट जाए, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। और वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह नहीं कटे, शेष कुछ बच जाए, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए।